डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नंदिनी। दर्शकों, कहते हैं कि आजकल जो बांझपन की समस्या है, निसंतानता है, ये इसकी जो संख्या है बढ़ती जा रही है। हमारा लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है और मेट्रो जो पैटर्न है हमारा रहने का, उससे भारत भी अछूता नहीं है, हम भी अछूते नहीं हैं। और इसका असर जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं बांझपन के, निसंतानता के, ये आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। इस पर हम आज डॉक्टर से बात करेंगे, समझेंगे आखिर क्या कुछ वजह हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड्स में भी इसको समझा कि आखिर क्या कुछ वजह होती है, महिलाओं से जुड़ी हुई बातें तो हमने समझी, लेकिन इसके लिए अक्सर देखा जाता है कि ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी कभी ना कभी, उनको में भी कुछ परेशानियां होती हैं और इसकी वजह से ये परेशानी सामने आती है। मैं चाहूंगी आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर पुरुष को, एक पुरुष को कब समझने की जरूरत होती है कि हाँ, अगर संतान नहीं हो रही है तो दिक्कत उनमें भी हो सकती है, या पहला कदम क्या उठाए जाने की जरूरत है इस ओर बढ़ने के लिए, इस परेशानी को समझने के लिए। बहुत अच्छी बात है नंदिनी, ये अवेयरनेस सभी में लाना बहुत ज़रूरी है। जब भी शादी को, पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी शादी को एक वर्ष से ज़्यादा हो जाए, आप साथ में रह रहे हों, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप प्रेगनेंसी चाहते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो बेस्ट है कि आप एज अ कपल, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लोग डॉक्टर के पास जाएँ और अपने चेकअप्स कराएँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ये देखने में आता है कि 40-50% ऑफ केसेस में मेल्स में कुछ ना कुछ उनके वीर्य में या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी रहती है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि हस्बैंड्स काफ़ी दिनों तक आते नहीं हैं, पेशेंट अपनी मदर या मदर इन लॉ के साथ में आती हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है और काफ़ी समय निकल जाने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से हस्बैंड्स को काउंसिल करके उनका टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि भाई प्रॉब्लम तो वहाँ पे थी। तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी कि एज अ कपल आप हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लोग जाएं, अपनी परेशानी को साझा करें डॉक्टर के साथ और उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि देर हो जाती है जब तक वो पहुंचते, कहीं ना कहीं ये भी मैटर करता है आगे के ट्रीटमेंट में। अगर बात की जाए टेस्ट की, तो पुरुषों के कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो शुरुआत में रेकमेंड किए जाते हैं प्रॉब्लम को समझने के लिए? जो बेसिक टेस्ट है पुरुषों के लिए वो है सीमन एनालिसिस या वीर्य की जांच। इसमें कोई टांका नहीं है, कोई चीरा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बस 3 दिन आपस में हस्बैंड और वाइफ संपर्क नहीं करेंगे और इसके बाद एक अच्छी पैथोलॉजी में जाकर अपना सीमन एनालिसिस, हस्बैंड देंगे अपना सीमन और उसका सीमन एनालिसिस किया जाएगा। इसमें करीब 20 से 25 चीज़ें हमको देखनी होती हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से जो रिपोर्टिंग हमको देते हैं सीमन एनालिसिस की, हमें वो रिपोर्टिंग चाहिए जिसमें वीर्य कितने हैं, कितने ml है, उसमें सीमन कितना है, उसमें शुक्राणु कितने हैं, स्पर्म्स का काउंट कितना है। फिर हमें ये देखना है कि इसकी मोटेलिटी कैसी है, उसकी फॉरवर्ड मोटेलिटी, आगे बढ़ने की क्षमता कैसी है, उसकी वाइटैलिटी कैसी है, उसमें फ्रक्टोज नाम का एक पदार्थ होता है वो है कि नहीं, कोई उसमें पस सेल्स या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इस तरीके से कुल मिलाकर हमें 15 से 20 चीज़ें उस सीमन एनालिसिस में चाहिए होती हैं और उसमें से कोई भी कमी अगर होती है तो उसको अकॉर्डिंगली हमको ट्रीट करना पड़ता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसे समझने के बाद ही दवा शुरू होती होगी। बिल्कुल ठीक। इसी तरह अगर महिलाओं की बात की जाए तो दवा शुरू करने से पहले महिलाओं के कौन से ऐसे टेस्ट किए जाते हैं? बेसिकली पहली बात तो अक्सर हम लोग ये जानते हैं कि अपने यहाँ फीमेल्स में या सभी जगह इन्फेक्शंस होने के कारण बहुत कॉमन होते हैं, तो एक पेशेंट की पहले तो हिस्ट्री, हस्बैंड वाइफ की दोनों की अच्छे से हिस्ट्री लेनी होती है कि बचपन से लेकर अभी तक कभी कोई उनका लंबा इलाज तो नहीं चला है, कहीं कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है दोनों हस्बैंड या वाइफ का, किसी का, दोनों में से किसी को ट्यूबरक्यूलोसिस की प्रॉब्लम या TB की बीमारी तो नहीं हुई है, हस्बैंड को कहीं भी किसी भी तरीके का हर्निया, वेरिकोसील, हाइड्रोसील तो नहीं हुआ है, जो उनके प्राइवेट पार्ट से कहीं उसमें चोट तो नहीं लगी है, वो कार्य क्या करते हैं, इसका भी नंदिनी बहुत फर्क पड़ता है। जो लोग बहुत देर तक लैपटॉप को अपने जांघों पर रखकर कार्य करते हैं, तो ये भी कुछ स्टडीज में देखा गया है कि उसकी गर्मी की वजह से भी सीमन काउंट पे असर आ सकता है। साथ ही साथ ऑक्यूपेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर हस्बैंड या वाइफ कहीं भी ऐसी जगह काम करते हैं कि जहां पर केमिकल्स बहुत यूज होते हैं, जैसे मान लिया
लिया जाए, अपने यहाँ टैनरीज है या कोई भी वो जगह जहाँ पर आप ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर आप 7 से 8 या 10 घंटे तक आप केमिकल्स के एक्सपोजर पर रहते हैं, चाहे वो नाक से जाएँ, मुँह से जाएँ, आपके हाथ से जाएँ, आपके कपड़े या आपके शरीर से जाएँ, तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। इसीलिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि जब कोई एक इनफर्टाइल कपल आए तो वो ज़रूर से अपने हस्बैंड के साथ में आए। जी। अब अगर फीमेल्स की बात करें तो हिस्ट्री टेकिंग के बाद उनकी एक जर्नल पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके हमको देखना होता है कि भाई उनका यूट्रस कैसा है, उसका साइज कैसा है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूट्रस के आसपास कोई जाला पर्दा टाइप की कोई ऐसी हल्की सी गांठ तो नहीं समझ में आ रही है, या कभी कभी यूट्रस में कुछ पैदाइशी विकार होते हैं जो कि हम एग्जामिन करके ही पता कर सकते हैं, वो सब भी चीज़ें हम एग्जामिन करना बेसिकली चाहते हैं पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के बाद आजकल जो बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड जिससे हम 80% बातें पता कर सकते हैं वो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड है। तो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड पेट में होने वाले अल्ट्रासाउंड से कहीं गुना ज़्यादा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि हम बच्चेदानी के एकदम करीब में जाकर अल्ट्रासाउंड करके ये देख सकते हैं बच्चेदानी का साइज़ क्या है, बच्चेदानी के मुंह का साइज़ क्या है, उसकी अंदर की एंडोमेट्रियम या गद्दी जहाँ पर बच्चा बैठता है वो कैसा है। कुछ हद तक हम ये भी देख सकते हैं कि उसकी ट्यूब्स में कोई सूजन तो नहीं है। कभी कभी हाइड्रोसैल्पिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जिसमें ट्यूब में पानी भर जाता है या मवाद भर जाता है वो भी हम अल्ट्रासाउंड से अच्छे से समझ सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ओवरीज में पेशेंट की चेक करके ये देखना होता है कि भाई उसकी ओवरीज का साइज़ कैसा है, उसका वॉल्यूम कैसा है, उसके अंदर उसके अंडे कैसे हैं, कहीं ओवरी में कोई सिस्ट या गांठ तो नहीं है। तो बहुत सारी बातें हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड द्वारा पता कर सकते हैं। फिर एक चीज़ आती है हिस्टरोसाल्पिंजियोग्राफी। अब ये सबको जानना ज़रूरी है कि पुरुषों से जाने वाला शुक्राणु संबंध बनाने के बाद और महिला के शरीर से उत्सर्जित होने वाला अंडा, दोनों ही चीज़ें फेलोपियन ट्यूब या डिम्ब नली जो होती है उसमें ही मिलते हैं। जी। तो ट्यूब का खुला होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट वो पूरा रास्ता सर्विक्स से लेकर यूट्रस से लेकर ट्यूब तक वो पूरा रास्ता खुला होना बहुत ज़रूरी है। उसको देखने के लिए जो बेसिक टेस्ट है वो हम हिस्टरोसाल्पिंजियोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें हम नीचे के रास्ते दवा डालते हैं और एक एक्सरे करके देखते हैं कि पेशेंट की ट्यूब्स ओपन हैं कि नहीं। इसको देखने के कुछ एक दो तरीके और हैं कि ये हम अल्ट्रासाउंड से भी देख सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अल्ट्रासाउंड में हमारे पास एक एक्सरे फिल्म या कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि कभी लेटर ऑन हमको उसको कंसल्ट करना हो तो पता चले। तीसरी जिससे हम ट्यूब्स के खुली है कि नहीं पता कर पाएंगे वो होती है लैप्रोस्कोपी। तो लेकिन उसमें पेट में छोटा सा चीरा देकर देखा जाता है दवा डालकर, वो हम तभी करते हैं जब हमको हिस्टरोसाल्पिंजियोग्राफी में यह लगता है कि पेशेंट की ट्यूब में कहीं कोई दिक्कत है, ट्यूब बंद है या उसके आसपास जाले हैं या बच्चेदानी में कहीं कोई इन्फेक्शन या कोई जाला या पर्दा या कोई झिल्ली दिखाई दे रही है, तभी फिर हम लोग लैप्रोस्कोपी या हिस्टरोस्कोपी पे जाते हैं। तो ये दो टेस्ट भी फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एक जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो होते हैं हॉर्मोन्स। जी। हमारा पूरा शरीर स्पेशली रिप्रोडक्टिव जो है, जिसमें हर महीने अंडा बनता है, रेगुलरिटी के साथ अंडा फूटता है, शुक्राणु से मिलता है, सब कुछ अगर ठीक रहा तो बच्चेदानी में बैठ के बच्चा बनाता है और वहाँ बच्चा बढ़ता है। ये सब कुछ बहुत ही रेगुलेटेड माइक्रो कॉन्सेंट्रेशन में हमारे शरीर में रिलीज होने वाले हार्मोन्स की वजह से होता है। जी जी। और ये हार्मोन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और इस तरीके के कुछ 8-10 और हार्मोन्स होते हैं। बट हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि थायराइड नॉर्मल है कि नहीं, प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मल है कि नहीं, LHFSH इनके शरीर में किस तरीके का है। तो जैसी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये टेस्ट थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो उसके पेशेंट में जो कंडीशन समझ में आती है उस हिसाब से हम लोग ये हार्मोन की एनालिसिस भी पेशेंट की करवाते हैं। जी देखिए, आपने थायराइड का जिक्र किया, एक डिजीज है ऐसी जो परेशानी है जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। क्या कुछ ऐसी अन्य बीमारियां भी हैं पुरुषों में या स्त्रियों में जिसके चलते इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती हो? बिल्कुल। हॉर्मोन्स की बात अगर की जाए तो थायराइड एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है। थायराइड तो बेसिकली एक ग्लैंड है, गर्दन में एक ग्लैंड है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऊपर से ब्रेन से रिलीज होता है पिट्यूटरी से, और वो यहाँ से T3 T4 हॉर्मोन्स हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अब वो कम भी निकलेगा
तो भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा निकलेगा तो भी प्रॉब्लम है। और कुछ ये देखा गया है कि ये जो रिवर गंगा के किनारे जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके खाने में आयोडीन की कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो थायराइड ग्लैंड की हार्मोनल इम्बैलेंस हो देखी जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम अवश्य कराते हैं, और इसका बढ़ना भी ठीक नहीं और इसका कम होना भी ठीक नहीं। इसी तरीके से प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ब्रेन से रिलीज होता है और उसका भी रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं के साथ में ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि और भी जो इसके तारतम्य वाले हार्मोन्स हैं, जब इनमें कुछ गड़बड़ होती है तो हम इनसे हायर एंड के हार्मोन्स को भी कराना चाहते हैं, या उन पेशेंट्स में जिनका वज़न बहुत ज़्यादा अधिक है, उनको मासिक अनियमितता है, पीरियड्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्लड शुगर भी, डायबिटीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और PCOD एक उसका प्रिकर्सर है, यानी पहले की कंडीशन है। तो ये बेसिकली टेस्ट की लिस्ट तो बहुत लंबी है नंदिनी, तो बेसिकली हम लोगों को चूज़ करना पड़ता है कि किस पेशेंट में हमको क्या कराना है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है उसमें संयम और धैर्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमको ये समझना होगा कि पूरे महीने में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन अंडा फूटता है पूरे महीने में, और फूटने के बाद यह अंडा अगर सब कुछ ठीक है तो मात्र 24 घंटे के लिए ट्यूब में जीवित रहता है जी। और उस 24 से 48 घंटे के बीच में अगर पुरुष से संपर्क हुआ और सब कुछ ठीक है, शुक्राणु भी ठीक है, तो अंडा शुक्राणु आपस में मिलकर नया एक अंडा या भ्रूण बनाते हैं और बच्चेदानी में बैठता है। तो कुल मिला के पूरे महीने में हमारे पास मुश्किल से 10-12 वो इम्पोर्टेंट घंटे थे जब प्रेगनेंसी आने के चांसेस थे, जब सब कुछ ठीक था। तो साल में आप समझ लीजिए मात्र 120 घंटे हुए, तो उस महीने में कुल एक दिन और कुछ घंटे हमारे पास हैं। तो इसीलिए ये मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि इसमें संयम रखिए, धैर्य रखिए, और हम पहले ही दिन से बहुत हाई एंड ट्रीटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं, बहुत स्टेप वाइज पहले ये दवा देके कम उसकी दवा दी जाती है, अगर उससे फ़ायदा नहीं मिलता है तो उससे ऊपर का ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर उससे नहीं मिलता है तो उससे ऊपर का ट्रीटमेंट किया जाता है। आपने ट्यूब्स का जिक्र किया, फिलोपियन ट्यूब भी जैसे कहते हैं, इसके ब्लॉक होने के क्या रीजंस होते हैं इनकी, क्योंकि परसेंटेज बहुत बढ़ता जा रहा है आजकल। बिल्कुल बढ़ता भी जा रहा है नंदिनी, और ये भी अच्छी बात है कि आज ज़्यादातर क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट इस बात के लिए अवेयर है कि ट्यूब्स की पेटेंसी की ट्यूब खुली है कि नहीं, इस बात को देखने के लिए बहुत अवेयर है। पहले पेशेंट्स के इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चलते रहते थे और उनकी ट्यूब टेस्ट नहीं हुआ करता था, अब किसी भी तरीके का ट्यूब बेसिकली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्ट है पूरे यूट्रस का, उसकी जो अंदरूनी लाइनिंग है वो मात्र 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक होती है, आप ये कह सकते हैं आपके बाल जितनी पतली होती है अंदरूनी लाइनिंग जी। तो कहीं भी कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो सबसे पहले वहीं पर ब्लॉक आता है। गड़बड़ क्या हो सकता है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, कई तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें हमारे भारत देश में ट्यूबरक्यूलोसिस इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है, गोनोरिया इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ज़्यादातर ये इन्फेक्शन मिक्स होकर एक कुछ नया इन्फेक्शन बनाते हैं, और ट्यूब बेसिकली एक रास्ता है बाहर, वेजाइना बाहर के जो गंदगी है और पेट में जाने वाले रास्ते के लिए, तो बेसिकली एक कॉन्ड्यूट है। तो अगर कुछ भी शरीर में नीचे के हिस्से में वजाइना में इन्फेक्शन है या यूट्रस में भी इन्फेक्शन है तो शरीर यह कोशिश करता है कि यह इन्फेक्शन ऊपर ना जाने पाए, बाकी अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को ना इफेक्ट करे, तो वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। तो बेसिकली ट्यूब्स ब्लॉक होना हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बट ये इन्फेक्शन होने की वजह से जब ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर जो अंडा और शुक्राणु हैं वो आपस में मिल नहीं पाते और फिर बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है जी। आपने टीबी का जिक्र किया, ये नॉर्मली ये बहुत कंफ्यूज करता है कि ये टीबी हमेशा माना जाता है कि फेफड़ों की बीमारी है। बहुत अच्छा सवाल है ये, यहाँ पे कैसे इफेक्ट करता है? मतलब ये सवाल इसलिए अच्छा है कि जब हम पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट देते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हमारी स्पेशलिटीज में भी आता है, पेशेंट तुरंत टीबी चेस्ट के डॉक्टर के पास जाता है, चेस्ट एक्सरे कराता है, टीबी की बाकी जांचें कराता है, और अनफॉर्चुनेटली वहां पर ट्यूबरक्लोसिस नहीं निकलेगी। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही एनिग्मैटिक या मिस्टीरियस डिजीज है जो होती है बट दिखती नहीं है, और आज तक भी हमारे पास कोई ऐसा कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि पेशेंट को
आंतों की या बच्चेदानी की या जेनाइटल या एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस है। ये इतने तरीके के ट्यूबरक्लोसिस होते हैं पेट में। आप ये मानिए कि ट्यूबरक्लोसिस का जो कीटाणु है वो हमारे शरीर में कहीं भी बैठ कर अपने सिम्टम्स दे सकता है। अगर वो ब्रेन में बैठा और उसने वहां पर अपना घर बनाया तो वो झटके की बीमारी दे सकता है। प्राइमरी यूजुअली चेस्ट में होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ज्यादा कॉमन चेस्ट में होता है, बट वो ब्रेन में भी हो सकता है, आईज में भी हो सकता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है, वो हमारे शरीर के किसी भी अंग में जा सकता है। कमर की हड्डी की टीबी बहुत ही खराब ट्यूबरक्लोसिस होती है जिसमें पेशेंट को उठने बैठने चलने पे भी मुश्किल होती है, वो पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। तो इसी तरीके से जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस और एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस इनफर्टिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमें कुछ घमौरियों जैसे दाने जो बहुत फ्लोरिड ट्यूबरक्लोसिस बहुत आगे की स्टेज की टीबी होती है उसमें दिखते हैं। बहुत अर्ली स्टेज की ट्यूबरक्लोसिस में यूजुअली कोई सिम्टम नहीं दिखते। ट्यूब्स जो हैं जो नॉर्मल उनकी फंक्शन होनी चाहिए वो छोड़कर बीडेड अपीयरेंस हो जाती हैं। आप ये समझिए जैसे जो सेम होती है इस तरीके की वो उसमें बीड्स आ जाती हैं। आइडियली जो ट्यूब है वो बहुत प्लेन होनी चाहिए जिससे और उसके अंदर बहुत बारीक बारीक बाल जैसे होते हैं कि वो अंडे को लुढ़काते हुए बच्चेदानी की तरफ लेकर जाए। जब भी कभी ये अंदर के रोएं जिसे आप कह लीजिए वो ख़त्म हो जाते हैं उस इन्फेक्शन की वजह से, उसमें पानी भर जाता है या मवाद भर जाता है, तो ट्यूब्स का जो अपना प्रॉपर फंक्शन है एज ए कॉन्ड्यूट की तरीके से वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिकली इसको भी लीड कर सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी जिसको हम लोग कहते हैं कि जो भ्रूण है वो बन तो गया बट वो यूट्रस में नहीं जा पाया और वो भ्रूण ट्यूब में ही बढ़ना शुरू हो गया, और क्योंकि ट्यूब तो बनी नहीं है उस भ्रूण को पालने के लिए तो फिर एक दिन ट्यूब फट जाती है। और ये भी बहुत जानलेवा बीमारी है जिसमें सर्जरी लैप्रोस्कोपी अर्जेंटली हमको करनी पड़ती है। तो एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस को एक डॉक्टर को डायग्नोज करने दीजिए, वो अपने ज्ञान और अपने एक्सपीरियंस के द्वारा वो उसको देखेंगी। उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट माना नहीं है बट हम लोगों को कुछ आइडिया लग जाता है। और कुछ एक टेस्ट है और आज सरकार भी इस बात के लिए है, मोदी जी का मिशन है मिशन निश्चय, जिसमें वो 2025 तक इंडिया से ट्यूबरक्लोसिस को हटाना चाहते हैं। तो जो एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग्स हैं वो सरकार अब फ्री में दे रही है, हम आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं अगर ट्यूबरक्लोसिस निकलती है। कुछ टेस्ट हैं बट कंफर्मेटरी नहीं है, वो टेस्ट आए तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं बट अगर नेगेटिव आए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टीबी नहीं है। तो आपको थोड़े से डॉक्टर के उसके ऊपर जाना पड़ेगा जैसा वो आपको सलाह देती हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट आज गवर्नमेंट फ्री में देती है, ज़्यादातर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स में भी रजिस्ट्रेशन है, वहाँ से आपको फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं और सरकार आपको 500 रुपीज़ पर मंथ भी प्रोवाइड करती है जिससे कि आप अपनी डाइट को भी इम्प्रूव कर सकें। तो ये गवर्नमेंट भी बहुत एफर्ट्स कर रही है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ट्यूबरक्लोसिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स इंडिया में सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए नहीं लेकिन बाकी दूसरी और मॉर्बिडिटी के लिए भी ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन बीमारी है। जी बिल्कुल, बात अगर की जाए इनफर्टिलिटी की, डॉक्टर मैं जानना चाहूंगी कि अगर बार बार अबॉर्शन हो रहा है किसी भी वजह से तो क्या ये भी एक तरीके का एक संकेत है कि कुछ दिक्कत है? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे सवाल आज नंदिनी तुम पूछ रही हो क्योंकि जब हम ओपीडी में होते हैं और पेशेंट्स आते हैं शादी के 1.5 महीने बाद जी कि मैडम हम कंसीव कर गए हैं और अब हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अभी तो हमारी शादी हुई है, प्लीज गिव मी समथिंग कि इसका अबॉर्शन करा दीजिए। सवाल इसलिए क्योंकि ये सवाल मुझसे किए जा रहे हैं जैसे जैसे देखा जा रहा है। मैं भी अपने दर्शकों से कहूंगी कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप तुरंत आप सवाल कर सकते हैं, यहाँ आपको इंतजार नहीं करना होगा अपने जवाब के लिए, डॉक्टर यहाँ पर है क्योंकि ये लाइव शो है, इंतजार नहीं करना होगा। तो क्या लगता है क्यों, किस तरीके का संकेत देता है ये? हाँ देखिए, जब भी कभी आप एबॉर्शन करते हैं किसी भी तरह, चाहे आप मेडिसिन से करते हैं, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट से या औजारों से या हम लोग वैक्यूम से एबॉर्शन करते हैं, तो कुछ भी आप मानिए कि एक छोटा सा पौधा है, अगर आपने उसको तोड़ दिया है तो ये दोबारा पौधा उगेगा नहीं उगेगा, वहाँ की मिट्टी तो ख़राब नहीं हो गई है, वहाँ का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अव्वल ये बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो प्रेगनेंसी आने ही ना पाए, और अगर आ जाए तो आप जितनी जल्दी डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं उतनी जल्दी डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। सेल्फ मेडिकेशंस
कोशिश करिए, मत लीजिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी इन दवाओं को लेने से बच्चेदानी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं जो सड़ते हैं, मवाद बनाते हैं, बच्चेदानी को ख़राब करते हैं और हमेशा के लिए आगे इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। तो बार बार तो क्या, मैं कभी भी एबॉर्शन के पक्ष में नहीं रहती हूँ। मजबूरी में अगर आपको एबॉर्शन कराना है तो बात अलग है, बट उसके लिए भी खुद से एबॉर्शन या कोई पिल ना लेकर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। पूरे समय उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल होने का पूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और लगातार आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। एंड डेफिनेटली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है इनफर्टिलिटी का। जी, जैसे कि आपने अभी भी बताया कि ये कंसीव करना या एक बहुत ही डेलिकेट सा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा, और लेकिन आपने जिक्र किया कि एक दिन बहुत, पूरे महीने में एक दिन सिर्फ मुश्किल से होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जब अंडा फूटता है, लेकिन कुछ महिलाओं में माना जाता है कि अंडे बनते ही नहीं हैं। ये कब होता है, ये इसको किस तरीके से देखती है? इसको हम लोग ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि हर महीने कायदे से एक महिला के शरीर में अंडा बनना चाहिए और वो अंडा फूटना चाहिए। अगर उस अंडे को शुक्राणु मिल गया तो प्रेगनेंसी आएगी और वो आगे बढ़ेगी और पेशेंट का पीरियड मिस होगा। बट अगर उसको शुक्राणु नहीं मिला या मिला भी तो वो भ्रूण नहीं बन पाया किसी भी वजह से, तो आगे चल के ये जो बच्चेदानी की मोटी लेयर है ये झड़ जाएगी एज अ मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अंडा अगर नहीं बनता है या कम बनते हैं तो ऐसे पेशेंट में यूजुअली कहीं ना कहीं कोई ना कोई मासिक अनियमितता होती है, कोई ना कोई मेंस्ट्रुअल इरेग्युलरिटी होती है। तो वजनी पेशेंट्स, जो ओबीस पेशेंट्स हैं, उनमें यूजुअली, या लीन पेशेंट्स में भी पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत कॉमन है आजकल के सिनेरियो में देखा जाए। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। वज़न अधिक होने की वजह से महिलाओं के शरीर की चर्बी में पुरुषों के हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं और इन पुरुषों के हार्मोन्स की वजह से जो अंडा आता है, ओवरी में बनना शुरू होता है, उसको महिला का हार्मोन नहीं मिल पाता तो वो बढ़ता नहीं है और ऐसे हर महीने के कई सारे अंडे इकट्ठे होकर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बनाते हैं। आई थिंक इसको हम लोग डिटेल में किसी नेक्स्ट हम अपने शो में अवश्य लेंगे। इसके अलावा भी कुछ महिलाओं में कुछ इन्फेक्शंस की वजह से या कुछ कुछ और बेसिकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से अंडे होते ही नहीं हैं या अंडे कभी उनके शरीर में बने ही नहीं। ये कुछ एक हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, शरीर में हार्मोन्स की अनियमितता होना, जैसे कि थायराइड में कुछ गड़बड़ होना या प्रोलैक्टिन हार्मोन में गड़बड़ होना, LHFSH हार्मोन्स में प्रॉब्लम होना, ब्रेन से रिलेटेड कुछ एक ट्यूमर्स होते हैं उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखने की वजह से अंडे नहीं भी बनते हैं। तीसरी एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें जो ओवरी होती है उसी में ही गांठ, मान लीजिए खून भरी हुई एक गांठ होती है, जिसकी वजह से अंडे बनने नहीं अच्छे बनते हैं और अंडे बनते भी हैं तो फूटते नहीं हैं, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। मान लीजिए कोई ओवरी में कोई बड़ा ट्यूमर हुआ, आपने उस ट्यूमर को निकाला तो जाहिर सी बात है उसी वही ओवरी जो है वो एक बैंक है अंडों का, तो जब आप वो ट्यूमर निकाल देते हैं तो इस बैंक का डिप्लीशन हो जाता है। तो ये कई सारे इम्पॉर्टेंट कारण है, इसके अलावा भी कई सारे और कारण है जिसकी वजह से अंडे नहीं बनते हैं। जी देखिए, आजकल की अगर लाइफस्टाइल की बात की जाए तो आज जैसे ही कोई लड़की किसी की शादी होती है तो कम से कम 45% महिलाओं में एक चिंता रहती है कि पता नहीं वो नॉर्मली कंसीव कर पाएंगी कि नहीं, क्योंकि इतनी एज में शादियां होती हैं तो माना जाता है कि 30 भी अगर आपने तक पहुंच गए हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो क्या बढ़ती उम्र की वजह भी इनफर्टिलिटी का कारण बनती, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जब डर बढ़ जाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हर महिला के शरीर में एक अंडे का रिजर्व बैंक होता है। जी, पुरुषों में शुक्राणु लगातार बनते रहते हैं, आज बनना शुरू होंगे, 3 महीने बाद हमको नए शुक्राणु मिलेंगे और ये प्रक्रिया यूजुअली 55-60 तक पुरुषों में चलती रहती है। बट ईश्वर ने महिलाओं को अंडे का एक बैंक दिया है और वो जब महिला, जब वो बच्ची माँ के पेट में थी तभी वो बैंक दिया था। जब वो पैदा होती है तो उसमें से आधे से ज़्यादा अंडे ख़त्म हो जाते हैं और जब पीरियड्स होना शुरू होती है तो उनमें से करीब 10-15 अंडे आगे बढ़ते हैं,
एक अंडा जो उसमें अच्छा होता है वो फूटता है, तो हर महीने एक एक ओवरी में दूसरी तरफ से एग्स रप्चर होना शुरू होते हैं जी। और जो अच्छे एग्स होते हैं वो 18 से 25 से 30 वर्ष तक फूट जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जिन लड़कियों की उम्र शादी की 18 से 25 वर्ष में हुई होगी, शादी हुई होगी, वो फटाफट कंसीव करते हैं और उनको प्रॉब्लम्स नहीं होते जी, जी। बट जिनकी 30 के बाद होती है तो जाहिर सी बात है कि उनमें अंडों की जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी कमी आती है। 35 तक आते आते 60-70% एग्स खत्म हो जाते हैं जी। और गुणवत्ता तो बहुत ही खराब हो जाती है। और मोर देन 40 इयर्स में मात्र 1-2% एग्स बचते हैं और 90-95% एग्स की क्वालिटी खराब हो चुकी होती है जी। और ये खराब क्वालिटी ना ही सिर्फ इनफर्टिलिटी में लीड करती है कि पेशेंट कंसीव नहीं करता, कंसीव करता है तो बार बार एबॉर्शंस हो जाते हैं, एबॉर्शंस नहीं हुए तो बच्चा अगर आगे बढ़ा भी तो इन बच्चों में शारीरिक या मानसिक विकृतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसके लिए हम लोग टेस्ट भी कराते हैं जी। तो ये समझना होगा कि महिलाओं में अंडे का बैंक है, वो रोज बनते नहीं हैं। जो आपके पास बैंक है उसमें से ही अंडे खर्च होते जा रहे हैं, अच्छे अंडे 30-35 वर्ष तक खर्च हो चुके होते हैं, इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ में अंडे की क्षमता में दिक्कत आती है। और भी जो चीज़ें हैं, जैसे यूजुअली पेशेंट के जब लेट मैरिजेस होती हैं करियर की वजह से या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मान लीजिए उनकी कुछ और बीमारियां हुई हों, उनको कोई सर्जरी भी हो सकती है, वो इतने समय तक जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर के साथ में रही हों, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं बहुत सारे इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स को जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर इफेक्ट करती ही हैं। अगर बात की जाए फिलोपियन ट्यूब की, ट्यूब ब्लॉक्स होती हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि दो ट्यूब्स होती हैं, अगर एक तरफ ब्लॉकेज है और दूसरी तरफ नॉर्मल है, या किस तरीके से दोनों तरफ ब्लॉकेज है, अलग अलग सिचुएशन में किस किस तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, ये सवाल मैं चाहूँगी आप जवाब दें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हेलो लगता है इनका कॉल कट किया, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग सिचुएशन में कितनी कब क्या कॉम्प्लिकेशन आती है। देखिए कभी कभी ये देखने में आया, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से पेशेंट की ट्यूब में अंडा फंस जाता है, वो रप्चर हो जाती है या ख़राब हो जाती है, ऐसे में एक ट्यूब रह जाती है। तो ऐसे केसेस में एक ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी एक भी ट्यूब नॉर्मल है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो उससे कंसेप्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। बट ये देखने में आया है कि अगर आपकी एक ट्यूब में जिस वजह से ब्लॉक आया है वही तो वही एक्सपोजर दूसरी ट्यूब में भी आया होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस ट्यूब में भी वो एक्सपोजर आया है और उस ट्यूब में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। तो भले ही वही ट्यूब ओपन भी है तब भी उसमें ये देखा गया है कि जो गर्भ धारण करने की क्षमता के जो फैक्टर्स होते हैं वे थोड़े से कम हो जाते हैं ऐसे केसेस में। बट डेफिनेटली अगर आपकी एक ट्यूब है, अच्छी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उससे IUI विधि से या आपस में संपर्क करके भी डॉक्टर के कंसल्टेशन से आप ज़रूर कोशिश कर सकते हैं जी। और बिल्कुल अगर लापरवाही की जाए तो क्या वाकई में ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि ट्यूब्स खराब ही हो जाएं, या फिर ट्यूब ब्लॉक्स हैं तो क्या लेप्रोस्कोपी सर्जरी ही एकमात्र विकल्प रहता है। हाँ देखो, अब अगर कोई भी चीज़ अगर बंद है, ट्यूब करीब 10 सेंटीमीटर की एक लंबी कॉन्ट्यूट है, उसका एक फिम्ब्रियल एंड है जहाँ पर वो अंडे को पिकअप करती है, उसके बाद एक एम्प्यूलरी एंड है, एक स्थेमिक एंड है, तो ये उसके चार पार्ट्स हैं और उसके अंदर का जो ल्यूमन है वो 1-3 मिलीमीटर तक वैरी करता है। अब ये डिपेंड करता है कि ट्यूब बेसिकली किस लेवल पे बंद है। ट्यूब जहाँ पर यूट्रस से जुड़ी हुई है उस लेवल पे अंदरूनी हिस्से से बंद है, इसको हम लोग कॉर्नुअल ब्लॉक कहते हैं, तो हम इसको हिस्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा खोल सकते हैं। कभी कभी उस कॉर्नुअल एंड पे कोई छोटी गांठ, कोई छोटा पॉलिप, कोई छोटा सा इन्फेक्शन, कोई जाला पर्दा होता है, तो हम हिस्ट्रोस्कोपी से उसको ठीक कर सकते हैं। कभी कभी ट्यूब फिम्ब्रियल एंड, जो अंडा अंडकोश के ऊपर जो ट्यूब का पार्ट रेस्ट करता है, वहाँ से बंद होती है, तो इसको खोलना भी आसान होता है, हमें HSG में पूरा ये ट्यूब दिखता है और हम खोल सकते हैं। बट कभी कभी जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ या कभी पेशेंट ने कोई ऐसा एबॉर्शन कराया है जिसकी वजह से पेट में मवाद हुआ या उसका अपेंडिक्स कभी रप्चर हुआ, किसी भी कारण से कोई बहुत लंबा इलाज चला या लंबा ऑपरेशन हुआ, पेट में चोट लगी, कुछ हुआ,
जिसकी वजह से पूरे ही पेट में या बच्चेदानी में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन रहा। ऐसे केसेस में पूरी 10 सेंटीमीटर की ट्यूब ब्लॉक होती है, बहुत कसी हुई, जिसको खोल पाना मुश्किल होता है, बल्कि पॉसिबल नहीं होता है जी। और इसी वजह से एक जो और कंडीशन होती है कि अगर ये मुंह बंद है तो इस ट्यूब में पानी भर जाता है या मवाद भर जाता है, इसको हम लोग पायोसेल्पिंग्स या हाइड्रोसेल्पिंग्स भी कहते हैं। तो ये जो मवाद भरी हुई थैली है ट्यूब की, अब ये बच्चे को भ्रूण में IVF के द्वारा भी यूट्रस में पनपने नहीं देती, तो इसको भी हटाना पड़ता है। तो बेसिकली ट्यूब्स बंद होना सिर्फ एक बीमारी नहीं है जी, कई सारी बीमारियों की वजह से अलग अलग जगह पर ट्यूब बंद हो सकती है। कुछ ट्यूब्स जो है हम खोल सकते हैं लैप्रोस्कोपी और हिस्टरोस्कोपी विधि द्वारा, जिन ट्यूब्स को खोलने में हम असमर्थ होते हैं उनमें हमको टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF पे जाना पड़ता है जी। जैसे कि आपने बताया लेप्रोस्कोपी सर्जरी का आपने जिक्र किया, क्या महिलाओं की उम्र पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से उन्हें सर्जरी देने की जरूरत है, क्या एज भी यहाँ पर मैटर करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप में प्रॉब्लम क्या है। जो भी हम पहले टेस्ट करा चुके होंगे, अल्ट्रासाउंड हुआ होगा, हिस्टरोसाल्पिंजियोग्राफी हुई होगी आपकी, और भी सब टेस्ट हुए होंगे, तो बेसिकली आपकी दूरबीन से जांच होनी है या दूरबीन से ऑपरेशन होना है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप में प्रॉब्लम क्या है। ओवरी में सिस्ट है या ट्यूब में पानी भरा हुआ है या एंडोमेट्रियोसिस है, बच्चेदानी के पास में जाले हैं या बच्चेदानी में कोई ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, कोई और चीज़ है, तो ऐसे, या कभी कभी ये भी देखने में आया है नंदनी, और ये अभी केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कि जिन महिलाओं का पहले सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है जी, इन महिलाओं में किसी वजह से ये बच्चेदानी आंतों से या पेट से चिपकी हुई होती है और उनकी ट्यूब्स भी उसी में जाके चिपक जाती हैं, और जिसकी वजह से इनको सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं आती। तो हाल में ही मैं ये देख रही हूँ कि ऐसे पेशेंट्स में फिर लैप्रोस्कोपी करके हमको इस बच्चेदानी को, आप ये मानिए, हटाना होता है, जो एडहेशंस हैं उसको रिलीज करना होता है, ट्यूब्स को रिलीज करना होता है, और ये फिर पेशेंट्स अपने आप कंसीव करते हैं। तो ये बेसिकली इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट कि आपको परेशानी क्या है, और उस परेशानी के हिसाब से अगर आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन लैप्रोस्कोपी और हिस्टरोस्कोपी है तो आपको उस पे जाना पड़ेगा जी। कुल मिलाकर के सावधान रहने की जरूरत है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, वो महिलाएं जिनको पीरियड्स के दौरान दर्द रहता है या फिर लगातार पेट के निचले हिस्से में पेन रहता है, दिक्कत रहती है, क्या ये किसी तरह का संकेत है? बिल्कुल, नीचे के पेट जो पेड़ू वाला हिस्सा है इसमें दर्द होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो पहले तो कारण पता करना होगा जी। कारण जो मोस्ट कॉमन कारण हमारे देश में है वो है इन्फेक्शन, बच्चेदानी का इन्फेक्शन, ट्यूब का जो वजाइना है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन भी कई तरीके के हो सकते हैं, कि बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, कि फंगल इन्फेक्शन है, कि दोनों का मिला जुला, या कोई वायरल इन्फेक्शन है, ये समझना होगा कि ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि कहीं बच्चेदानी में कोई गांठ तो नहीं है, ओवरी में गांठ तो नहीं है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस नाम की जो बीमारी है उसमें अंडकोश में गांठ होती है और वह साथ ही साथ बच्चेदानी से चिपक कर और भी कई सारी तरीके के जाले बनाती है, जिसकी वजह से महिला के पेट में हमेशा दर्द होता है, या पहले कभी उसके पेट में कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से महिला के शरीर में जाले बन जाते हैं, ये भी एक पेट में दर्द का इम्पॉर्टेंट कारण होता है। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम का फिर हमको निवारण करना होता है जी। देखिए, ये तो हो गया कि हमें सिंपल्स हैं, पता चल रहे हैं दिक्कत थी, लेकिन कभी कभी क्या ऐसा होता है कि पीरियड्स एकदम नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमने कंसीव करने की कोशिश की तब पता चलता है कि ट्यूब्स में ब्लॉक्स हैं या कुछ दिक्कत है, क्या ऐसा भी पॉसिबल? आखिर पता कैसे नहीं चलता था? क्योंकि जो भी कुछ इन्फेक्शन अगर आपको हुआ होगा तो हम लोग उसको, जैसे यूरिन इन्फेक्शन ही है या नीचे के पेट में दर्द है, तो हम लोग ओवर द काउंटर कहीं से भी, कोई नीचे के पेट में दर्द है, हाँ भाई ठीक है यूरिन इन्फेक्शन होगा, हमें कोई भी ओवर द काउंटर किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा खा के खा लेते हैं जी, जी। वो लंबा समय तक चलता हुआ इन्फेक्शन, या आपने कभी कोई DNC कराई है, आपको पता नहीं चला, और उसका जो छोटा मोटा इन्फेक्शन था वो ट्यूब ब्लॉक कर सकता है, आपने कोई मेडिसिन खाई थी बच्चा गिराने की, वो पूरी तरीके से साफ नहीं हुई। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो, मैं पायल बोल रही हूँ जी, दिल्ली से जी। जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं किडनी स्टोन की लेप्रोस्कोपी कराने जा रही हूँ, सर्जरी के बाद कितना वक्त तक क्या प्रिकॉशन लेना होगा हमें?
ये आपको आपके डॉक्टर ही अच्छे से बताएंगे। आप किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट कराने जा रही हैं, आपका स्टोन कितना बड़ा है, कहाँ पर है, किस विधि से होगा, तो जब आपकी सर्जरी होगी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि क्या कुछ आगे करना है, उसके हिसाब से आप सावधानी बरतें, दिक्कत नहीं होगी। अगर बात की जाए जिस तरीके से आजकल का जो लाइफस्टाइल है, कुछ ऐसी आदतें जो दिक्कत देती हो इस तरीके की इनफर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो क्या बताएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी तरीके की अनप्लान्ड एटीट्यूड जो चलता है कि आज हमने शादी हुई, कंसेप्शन किया, आपने मेडिसिन खा ली, फिर 3 महीने बाद फिर कंसीव हुए, फिर मेडिसिन खा ली, इन्फेक्शन होना, वज़न अधिक बढ़ना, ये सारे वो कारण हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी डेफिनेटली आएगी ही आएगी। और कभी ना कभी इनमें से कोई ना कोई कारण या तो बच्चेदानी में या ओवरीज में या ट्यूब में कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा करेगा, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, ब्लड प्रेशर है या शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं या थायराइड की प्रॉब्लम है, उसकी सही समय पर सही दवा ना खाना, दवा खाते हुए 4 महीने दवा खाई जैसे कि थायराइड हुआ या हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है या किसी भी तरीके का अधिक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है या किसी भी तरीके की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं हैं और कहीं ना कहीं हार्मोन्स के ऊपर असर करती हैं और इनफर्टिलिटी के कारकों को और ज़्यादा प्रमोट करती हैं। जी डॉक्टर, एंडोमेट्रियोसिस ये बहुत आजकल सुनने में आ रहा है, ये इनफर्टिलिटी के लिए कैसे कारण बनता है? क्या फाइब्रॉइड से इसका कुछ संबंध है? नहीं, फाइब्रॉइड से एकदम हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। एंडोमेट्रियोसिस एक अपने आप में अलग ही बीमारी है एंड थैंकफुली ये अब डायग्नोज ज़्यादा हो पा रही है ड्यू टू लैप्रोस्कोपी, क्योंकि इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो हम लोग बोलते हैं ये लैप्रोस्कोपी से ही सबसे अच्छे से समझ में भी आती है कि इसको पेशेंट को है, और साथ में इसका ट्रीटमेंट भी बेस्ट हम लैप्रोस्कोपी से ही कर पाते हैं। तो बेसिकली बच्चेदानी की जो सबसे अंदरूनी लेयर एंडोमेट्रियम होती है वो किन्हीं कारणों से, उसकी कई सारी हाइपोथेसिस है, कारण अभी तक नहीं पता है कि क्या है, वो किन्हीं कारणों से वो एंडोमेट्रियम जो है वो दूसरी जगहों पे जाकर स्थापित होती है और वहाँ पर बढ़ना शुरू होती है। तो जब ओवरी में बढ़ना शुरू होती है तो वो एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट या खून भरी हुई गांठ बनाती है। जब वो ओवरी के पीछे और ट्यूब्स के पीछे, यूट्रस के पीछे जाती है तो वो कुछ ऐसे पैचेस बना देती है जिससे कि जब भी कभी महिला को पीरियड होता है तो उन पैचेस में भी अंदरूनी पीरियड होता है। जी, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका सवाल। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। हेलो, मैं रचना बोल रही हूँ। जी रचना, जी लैप्रोस्कोपी के बाद कितने दिन बाद पीरियड्स आते हैं? आप लोग ये जो सवाल है ये बहुत ही अगेन जर्नलाइज सवाल है, लैप्रोस्कोपी किस कारण के लिए हो रही है ना। लैप्रोस्कोपी शरीर में किसी भी वजह से करी, पेट में कभी भी हम दूरबीन डालते हैं, किसी भी आंतों का ऑपरेशन के लिए, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए, लिवर के ऑपरेशन के लिए, बच्चेदानी निकालने के लिए, ट्यूब के ऑपरेशन के लिए, तो ये तो इस बात पे पीरियड आपके डिपेंड करेंगे कि आपका ऑपरेशन कैसे हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद आपको कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अगर इनफर्टाइल वुमेन है और उसको सर्जरी के माध्यम से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो किस सिचुएशन में किस तरह की सर्जरी आप रेकमेंड करती हैं? ओके, वैसे तो बहुत वेरीड है, बट जो इम्पॉर्टेंट हम अगर बात करेंगे तो ये देखने में आया है कि कुछ महिलाओं को कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी होती है, यानी कि कुछ बच्चेदानी के पैदाइशी विकार होते हैं, जैसे कि किसी की बच्चेदानी बनी ही नहीं होती है, बाकी सब कुछ उस महिला में सब कुछ नॉर्मल होगा, पूरा शरीर विकसित होगा, सब कुछ होगा, बट पेशेंट को 17-18 साल होते होते भी उनको पीरियड्स नहीं आएंगे। तो जब उनको एग्जामिन किया जाता है तो ये देखने में आता है कि भाई उनकी बच्चेदानी बनी ही नहीं, या बनी तो बिल्कुल एक मटर के दाने के बराबर या छोटा सा एक नोड्यूल बना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है, और उनका नीचे का जो वजाइना है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे कारणों में एक सर्जरी एक इम्पॉर्टेंट द्योतक होती है। कुछ लोगों में बच्चेदानी भी बनी है, नीचे का हिस्सा भी बना है, लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं बना होता है, तो उसमें हर महीने पेशेंट को पेन तो होता है लेकिन पीरियड बाहर नहीं आ रहा होता है, तो ऐसे में हमको भी एक सर्जरी करके देखना होता है। फिम्ब्रियोप्लास्टी यानी कि ट्यूब्स को ओपन करने की हम लोग सर्जरीज हम लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। बच्चेदानी में पर्दा यानी कि यूजुअली जो एक शरीर बना है वो राइट और लेफ्ट मिलकर बना है, और इसके बीच का ये सब कुछ हॉलो होता है,
कुछ पेशेंट्स में किसी वजह से ये कंजनाइटल प्रॉब्लम है, यानी कि पैदाइशी प्रॉब्लम है, इसमें कोई गलती नहीं है किसी की, ये पर्दा पूरा घुलता नहीं है, तो ये बच्चेदानी के बीच में पर्दा पड़ा होता है जिसकी वजह से कभी बच्चे आते नहीं हैं, आते हैं तो बार बार एबॉर्शंस हो जाते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग दूरबीन विधि द्वारा हिस्ट्रोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी कर सकते हैं। कभी बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ है, पॉलिप है, कोई छोटी मोटी झिल्ली है, तो वो भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। कभी कभी ये भी देखने में आया है कि ये जो पर्दा है ना सिर्फ ये बच्चेदानी को डिवाइड करता है, ये सर्विक्स को भी डिवाइड करता है और पूरी पूरी वेजाइना को भी दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ऐसे केसेस में लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों विधा को मिला के हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अगर बच्चेदानी में कोई बड़ी गांठ है, 3 से 5 सेंटीमीटर जैसे मैंने बताया था, कोई फाइब्रॉइड है, कोई एडिनोमायोमा है, तो ऐसी गांठों को भी हम लैप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। ओवरी में कोई गांठ है उसको भी हटा सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज अगर हमारी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही हैं तो उसको भी हम लैप्रोस्कोपी से बेटर कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, बच्चेदानी के आसपास पड़ने वाले जाले, ये सभी चीजें हम ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका सवाल। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। हेलो मैम, मैं अतुल बोल रहा हूँ सर्वोदय नगर से। मैम ये जानना चाह था कि ये सही है कि मिथ है कि मतलब शादी के इमीडिएटली बाद अगर हम कोई प्रिकॉशंस यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट यूटेरस पे पड़ता है? ये डिपेंड करता है कि आप प्रिकॉशंस क्या यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा प्रिकॉशन अगर आप बात करेंगे तो बैरियर कॉन्ट्रोसेप्टिव्स या कॉन्डोम्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और जिससे हस्बैंड का इन्फेक्शन वाइफ को और वाइफ का इन्फेक्शन हस्बैंड को नहीं जाएगा, और एक अच्छा साधन है। दूसरा अच्छा साधन शादी के तुरंत बाद इस्तेमाल करने के लिए ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स आती हैं, जो आप किसी डॉक्टर से ही पूछ कर लीजिए कि आपकी वाइफ के लिए कौन सी ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स सूटेबल होंगी। तो वो अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली 1.5 से 2 साल आप आराम से जो है आप अपने बच्चे होने के पीरियड को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सावधान रहना ज़रूरी है और आजकल जागरूकता भी लोगों में आ रही है, ऐसे में इन्फॉर्मेशन मिलना और सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप लगातार जिस तरीके से हमारे दर्शकों को बता रही हैं। डॉक्टर, चलते चलते क्या कुछ आप निसंतान दंपति से संदेश देना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? मैंने आपको संदेश के लिए कहा, लेकिन एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो, स्वागत है आपका, सवाल करें जी। ये हमारा कमर का जो दर्द है वो काफी दर्द कर रहे हैं। देखिए कमर के दर्द, कमर के दर्द के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि कमर का दर्द किसी इन्फेक्शन की वजह से है, या कोई हड्डी में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से है, या कहीं कोई और समस्या है। तो पहले आपको ढंग से एग्जामिन करना पड़ेगा, उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। तो क्या कुछ संदेश देंगी आप हमारे ऐसे दंपति को जो कोशिश कर रहे हैं निसंतान है अभी, और आगे के लिए क्या सलाह? सबसे इम्पोर्टेंट ये, मैरी ऑन टाइम। जी बहुत जरूरी, बिल्कुल। सो उसके बाद इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, आप शादी से पहले ही प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए जाएं, और उस अगर आप प्रेगनेंसी तुरंत नहीं चाहते हैं तो किसी डॉक्टर से अपने लिए एक प्रॉपर गर्भ निरोधक साधन के लिए बात कीजिए। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं, अगर बच्चा आ जाता है, अगेन कायदे से तो डोंट गो फॉर एबॉर्शंस। इफ यू गो फॉर एबॉर्शन, कॉन्टैक्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड गो फॉर इट। ओवर द काउंटर कोई भी ड्रग्स आप एबॉर्शंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मत लीजिए, क्योंकि आज आपके द्वारा किया गया ये काम आपके आगे के जीवन के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जब भी कभी आपको इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आगे काम बढ़ाना है तो हस्बैंड वाइफ एज अ यूनिट होकर आप जाइए और अपने डॉक्टर से पूरी अपनी बात खुलकर बताइए। बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपके साथ हुआ है, जैसा भी प्रॉब्लम है आपको, जो भी बुखार, सर्जरी, जिस भी तरीके की समस्या है, दोनों ही लोग जाएं और अपने इस बारे में ढंग से बात करें और अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी सब बातें डॉक्टर से पूरी तरीके से शेयर करें। आई थिंक अगर आप अच्छे से अवेयर होके डॉक्टर के साथ तारतम्य मिला के बात करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। बिल्कुल, और चलते चलते एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। आगे करो, हुई लगा जी, सवाल कीजिए। हेलो, बात करनी हमने की। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते जी, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहती हैं?
सुन पा रही हैं जी मैम? एक साल से मतलब कोई बच्चा नहीं आया मेरे, इससे अभी हम लोग इतनी देर से यही सब तो बातें कर रहे हैं बेटा, है ना? तो आप अपने हस्बैंड वाइफ अगर आप चाहते हैं कंसीव करना तो एक डॉक्टर को सेलेक्ट कीजिए और उनको जाकर दिखाइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां निश्चित तौर पर। देखिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि देर नहीं करना, और जैसा कि आपने एक सेंटेंस में कह दिया कि क्या सलाह देंगी, सवाल यही है, सलाह यही है कि टाइम पर शादी करें, बहुत ज़रूरी है ये। मुझे लगता है एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलते चलते उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ वो हमसे पूछना चाहते हैं। स्वागत है आपको हमारे कार्यक्रम में, सवाल पूछें। हेलो, मेरे पैरों में झुनझुनी भरती है और हाथ पांव में चनचनाती है सर। आपको हो सकता है कैल्शियम और विटामिन्स की कमी हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स देंगे और 3 महीने के सप्लीमेंट्स के बाद मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे। जी तो थैंक यू डॉक्टर इन तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।